ये ब्लू बियन रेस्टोरेंट लिंसडेल रोड पे है, जो कि बाजार कोलकाता के ठीक पास में है और है 9th फ्लोर पे। एक हेरिटेज टाइप की एक बिल्डिंग है, बट इसमें आपको लग ओल्ड कैलकटा वाइब्स दिखाए, मतलब आपको लगेगा कि वो ओल्ड कैलकटा वाइब्स है। और रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है। ये रूफ टॉप में है और बस हम अंदर आ चुके थे लिफ्ट में और जा रहे हैं अभी 9th फ्लोर पे ऊपर। तो अब हम 9th फ्लोर आ चुके हैं और ये है एंट्रेंस ब्लू बियॉन्ड रेस्टोरेंट, जो कि एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे एंट्रेंस में काफ़ी सारी बंगालीज जो फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस है और फेमस जो लोग हैं उनके फोटोग्राफ्स ऐसे फ्रेम्स लगाए हैं। तो बहुत ही ओल्ड कलकत्ता वाइब्स आपको जब आप घुसेंगे अंदर जाएंगे और आपको वो फील आएगी, बट यहाँ से थोड़ी ऐसी अलग फील आएगी। और जब रेस्टोरेंट को देखेंगे, जब रूफ टॉप को देखेंगे, तब लगेगा कि अच्छा यहाँ की अलग ही वाइब है। ये मत धोखा खाइए कि कोई एक हेरिटेज रेस्टोरेंट में जा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्डिंग वैसी है बट रेस्टोरेंट काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। ये बार एरिया है यहाँ का और बस हम अपने हेलमेट यहीं पे रख दे रहे थे और ये बार एरिया है। अब ड्रिंक्स भी है यहाँ पे, जिसको ड्रिंक्स लेने वो ड्रिंक्स ले सकते हैं। ये अंदर इनसाइड एरिया है और ये है बाहर का रूफ टॉप, जहाँ पे 2 सीटिंग और आपके 4 सीटिंग या 2 हाई टेबल्स ऐसे है। और बहुत अच्छा मौसम था, तो इसीलिए आज हमने चूज़ करा यहाँ आने का, बिकॉज वेदर बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया था जो कि हमारे फेवरेट स्नैक्स है नॉन वेजिटेरियन। तो ये है मंगोलियन चिकन, कोई नया डिश था तो हमने नया डिश इस बार ट्राई करी थी। और यहाँ पे फ़िश भी बहुत अच्छी मिलती है और वेजिटेरियन आइटम भी बहुत अच्छा है। फिर हमने साथ में ऑर्डर किया था तंदूरी चिकन, और तो वो मंगोलियन चिकन तो हमने खा लिया। फिर हम तंदूरी चिकन हमने ऑर्डर किया था और ये भी काफ़ी टेस्टी था, बट मंगोलियन चिकन ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ से दूर से आप देख सकते हो विक्टोरिया बहुत इजीली दिखता है, मेरा कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर रहा है, बट अगर यहाँ पे आप लोग विज़िट कर रहे हो, ये 42 सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग। और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा विद्यासागर सेतु ब्रिज, जहाँ से हम होके आए हैं। ये बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ से देखने का, रूफ टॉप का, यही मज़ा है। बस मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज डाल रही थी, तो यहाँ पे लिखा ही मैंने फाइनली गुड वेदर एंड गुड म्यूज़िक, बिकॉज यहाँ के म्यूज़िक भी बहुत ही अच्छा चल रहा था। तो पूरा वेदर के साथ यहाँ पे ये भी इंजॉय कर रहे हैं। और मौसम इतना अच्छा था ना कि पूछो मत, हमने काफ़ी इंजॉय किया, रिलैक्स था काफ़ी। और इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद एक होता ही, एक वीक के बाद एक संडे अगर ऐसा रिलैक्सिंग जाए आपकी नाइट, तो फिर सुबह उठ के एक्टिव रहता है इंसान। और हवा देखो आप कि क्योंकि साइक्लोन है, साइक्लोन मोचा, उसी का ही असर था, बट हमने तो इस मौसम का अच्छा सा लुफ्त उठाया। साथ में हमने एग फ्राइड राइस और चिकन ऑर्डर करा था, ये है आपका गार्लिक। अच्छा खा पी के और अच्छे मौसम का मज़ा लेके अब हम जा रहे हैं घर। और क्या बताऊँ, मौसम बहुत ही औसम, ये है साइक्लोन का असर, जो इतना अच्छा मौसम रहा है ना, अच्छा था ना मौसम की वजह से, इसीलिए रूफ टॉप का प्लान बनाया, ताकि मौसम बहुत अच्छा था आज, कोई भी गर्मी नहीं थी। सुबह सब घर जा रहे हैं और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आपको ये छोटा वाला व्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय।